तू तो दया मेरे पे फेर दियो, ओ बहुत अच्छे। और देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, मेरी लिख चिट्ठी सभी धर्म सभी मजहब सभी वर्ग के लोगों के लिए। अगर दुनिया में कोई श्रेष्ठतम पांच देवता होते हैं तो पहला देवता होती है माँ, दूसरा देवता होता है पिता, तब तीसरा देवता होता है आचार्य, चौथा देवता होता है अतिथि, और पांचवा देवता होता है पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। यहां से फौजी मेहर सिंह ने लिखना शुरू किया और यूं कहा, मेरे माता और पिता जो दो बड़े देवता हैं जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए थी पर कर नहीं पाया क्योंकि भारत माता के लिए कुर्बानी देके जा रहा हूं, उनको क्या कहना रे भाई? कैसे ये बात जरूरी काम लिखो, मेरा एक जरूरी काम लिखो। नेता लोग तो नेतागिरी करते हैं लेकिन आदरणीय सरदारों, मरने वाला एक जवान जो देश के लिए मरता है वो सिर्फ एक छोटी सी बात चाहता है। ये जो आगे की मैं लाइन कहूंगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने फौजी मेहर सिंह जिन्होंने शहादत दी थी हजारों बार सम्मानित मात्र एक लाइन पे किया है जो आगे की लाइन है, और सुनना दिल को छू जाए तो फिर तालियों का समर्थन भी करना। अरे जिस रास्ते मेरी अर्थी जावे, जिस रास्ते मेरी अर्थी जावे, जिस रास्ते मेरी अर्थी जा उस रास्ते फूल बखेर दियो, शहादत दे के कल पहुंचे हैं। हाँ, अभी कोई बालक, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, 10 महीने शादी को हुए,
वो लड़की भी पढ़ी लिखी है जो उस लड़की जिसको ब्याही थी। साथियों जब वो पार्थिव शरीर घर पहुंचा, उस लड़की को वहां लाया गया। अरे दोस्तों विचार करके देखिए, वो हमारी बहन जिसकी शादी को मात्र 10 महीने हुए हैं, जिसके हाथों पे लगी हुई मेहंदी ज्यों की त्यों बरकरार है, जिसका कंगन अभी हाथ में बंधा हुआ है, टूटा नहीं है, खुला नहीं है, वो बहन अपने पति का मात्र 10 महीने, और 10 महीने भी चंद दिन, महीने नहीं चंद दिन, जवान ये कह के गया था कि मैं बहुत जल्दी छुट्टी आने वाला हूं। लेकिन छुट्टी तो आया, पर ऐसी छुट्टी आया कि जीवन भर की छुट्टी कर गया। अब वो कभी वापस लौट के नहीं। कल आपने टेलीविजन पर देखा हो तो वो बहन उसके मस्तक को चूम करके ये कह रही है, रे दुनिया के लोगों, मुझे इस बात का गम नहीं कि मैंने 10 महीने में अपने पति को खो दिया, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पति को यह पता था कि यहाँ 2 बम लगे हुए हैं, लेकिन उनको डिस्प्यूज करने के लिए 1 बम को खत्म कर दिया और 2 बम को खत्म कर रहा था, तभी शहादत हो गई, सीने पे गोलियां लगी। मैं इन्हें सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, मैं तेरे प्यार को ठुकराऊंगी नहीं। ऐसी देवी है। विदेशों में लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। मेरे संत महात्मा कहते हैं हमारे यहाँ शादी की सालगिरह नहीं मननी चाहिए। हमारे यहाँ 1 जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए बंधन में बंधता है औरत और मर्द का जोड़ा। अरे ये तो विदेशी सभ्यता है रब, वगैरह और देशों की, जहाँ शादी किसी की 2 महीने चलती है, किसी की 10 दिन चलती है, किसी की 3 महीने चल जाती है। वो तो इसलिए 1 साल की बधाई देते हैं, अगर वहाँ यूरोप के देशों में किसी की शादी 1 साल चल जाए तो वो कहते हैं भैया तू बहुत भाग्यशाली है जो तेरी बीवी 1 साल तेरे पास रुक गई, और नहीं तो सरदारों वहां 1 बच्चा इसके नाम का, तो दूसरा इसके नाम का, तीसरा इसके नाम का बनाया जाता है। ये सभ्यता है। अपनी पत्नी के लिए जवान क्या लिख के गया भला, क्या किसे का साथ करे, अरे कौन किसे का साथ करे, अरे एक दिन सबने रात जाना होगा, एक दिन सबने रात जाना होगा, कद चिंता दिन रात करे, दिन रात करे, ये तो इज्जत हमारी से कभी मामूली सी बात करे, मामूली सी बात। चढ़ी जब आप सभी जानते हो, जितने भी व्यक्ति यहां बैठे, सीमा पे अगर कोई शहादत देता है तो मजदूर किसान कमेरे वर्ग का बेटा मरता है या किसी बड़े मंत्री का बेटा मरता है।
गरीब की माँ की कोख से जन्मे होया बेटा मरता है, बड़े धुरंधरों का बेटा नहीं मरता। और मैं एक बात और भी कहता हूँ, अगर ये देश स्वतंत्र है, अगर इस देश को आजादी मिली तो जनाब 85 यानी कि 85% शहादत देने वाले ऐसे नौजवान थे जो गरीब माँ की कोख से जन्मे थे, जिन्होंने गरीब बाप के घर में जन्म लिया था, संभवतः दो रोटियों का भी जुगाड़ नहीं था। चंद्रशेखर आजाद ने अनेकों ट्रेन लूटी थी अंग्रेजों की। एक रोज कुछ गांव के लोग मिलने गए और कहने लगे, चंद्रशेखर आजाद तू अंग्रेजों से बगावत करता है, इतना माल लूटता है, ट्रेनों को लूट लेता है, अरे तेरे माँ बाप भूखे मरते हैं, इसमें से थोड़ा सा धन उन्हें भी दिया कर। ओ मेरे मेहरबानों, चंद्रशेखर आजाद हंसे और उन्होंने कहा, रे गांव वालों डूब के मर जाओ, मैं देश के लिए, मैं वतन के लिए मरना चाहता हूँ, देश को आजाद करवाना चाहता हूँ। तुम मेरे बूढ़े माँ बाप को अगर दो वक्त की रोटी नहीं दे पाओ तो लानत है तुम्हारे ऊपर। साथियों कहानी यही पूरी नहीं होती, कुछ दिन बाद चंद्रशेखर का वहां से गुजरना होता। सोचा कि अपने माता पिता के चरण छूता चलूं, जाकर के नमस्ते प्रणाम करता है, राम राम करता है। माँ ने कहा, तेरी राम राम नमस्ते प्रणाम तो ठीक है, पर चंद्रशेखर हमने सुना है कि तू अंग्रेजों का माल लूटता है। चंद्रशेखर हंसे और बात को पहचान गए और कहते हैं, हाँ माँ ये सच है। बोलो तो माँ कहती है कि तू मेरा बेटा है, 9 महीने कोख में रखा है, तेरा इतना फर्ज बनता है कि उसमें से आधी रकम आधी दौलत हमें दिया कर, आधी देश के काम लिया कर। चंद्रशेखर फिर मुस्कुराए, पिताजी से पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है, तो पिताजी ने कहा कि जो तेरी माँ कह रही है उसी में मैं भी राजी हूँ, आधा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। ओ दुनिया के लोगों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बात आगे की अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहूंगा। चंद्रशेखर आजाद उसी वक्त वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें दौलत चाहिए तो सुनो, चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल में 2 गोलियां हैं, एक माँ के सीने में उतार दूंगा, एक बाप के सीने में उतार दूंगा, पर अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, अपने वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। ये पैगाम था उन नौजवानों का। लेकिन दोस्तों एक शायर लिखता है कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा, राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा, भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई दूजा सरदार नहीं देखा, आज ऐरे गैरे नथू खैरे तंत्री बन के बैठे हैं, इन्हें जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे हैं, इन्हें जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे हैं। तीसरी कली में अपनी ब्याही के लिए, अपने पुत्रों के लिए क्या संदेश दिया उस नौजवान ने, क्या कहा भला। बालेपन में दुख हो जा, बालेपन में दुख हो जा, इन बाल पोस के बड़े करते जीवन भर का सुख हो जा, सुख हो जा, जवान अवस्था बाप की तरिया देश धर्म में रुक हो जा, देश धर्म में रुक हो जा, we'll be right back.
उल्टा कदम हटियो करके हाँ। भारत माँ की सेवा करके देश की शान बढ़ियो देश की शान बढ़ियो। अरे कहे मेहर सिंह और रण में जाके कहे मेहर सिंह रण में जाके अरे कहे मेहर सिंह और रण में जाके कर दुश्मन का ढेर दियो लिख चिट्ठी मकेर दियो